मैदान में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का समापन हो चुका है और मेला मैदान में बाहरी राज्यों के व्यापारियों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। नगर परिषद मंडी की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने कहा है कि मेला मैदान में पड़ी गंदगी को साफ करने के लिए 17 मार्च शनिवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने शहर की सामाजिक संस्थाओं व लोगों से अपील की है कि सभी लोग इस स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दें। पडल मैदान में शिवरात्रि मेला आयोजित होने के बाद मेला मैदान में गंदगी का आलम है और मैदान में चारों तरफ कूड़ा कचरा बिखरा हुआ है। इस गंदगी के चलते आसपास के वातावरण में बदबू का आलम है। मेला मैदान से गुजरने वाले कॉलेज के विद्यार्थियों व स्थानीय लोगों ने कहा कि पडल मैदान में मेला अब खत्म हो चुका है और नगर परिषद मंडी व जिला प्रशासन को जल्द से जल्द मैदान को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो सर आप देख ही रहे हैं कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कितने लोग हैं, क्या है, अब मेला खत्म हो गया है। तो सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एमसी मंडी की कि इस पर टाइम से साफ करवाएं और मतलब देखने वाले को ठीक भी लगे। सर इस समय पडल की स्थिति जो बहुत ही खराब है जैसा कि आप देख रहे हैं और स्मेल इतनी है कि हम अंदर जा भी नहीं सकते हैं। इस ग्राउंड पे करोड़ों रुपये सरकार लगाती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अभी देखा जाए तो कितने करोड़ लगाए लेकिन इस टाइम इस ग्राउंड की वैल्यू दोबारा से जीरो हो गई है। इसे दोबारा लाखों रुपए लगेंगे ताकि ये दोबारा साफ किया जा सके। वहीं मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा कि मेला मैदान जिला प्रशासन के निर्देशानुसार खाली हो चुका है और मेला मैदान से व्यापारी अपना सामान समेट कर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मेला मैदान में पड़ी गंदगी को साफ करने के लिए 17 मार्च को शनिवार को पडल मैदान में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा ताकि मेला मैदान को जल्द से जल्द स्वच्छ बनाया जा सके। उन्होंने मंडी शहर की सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से अपील की कि शहर की सभी संस्थाएं, स्वयंसेवी, महिला मंडल, युवा मंडल इस स्वच्छता अभियान में मंडी नगर परिषद का सहयोग करें और इस अभियान में अपना योगदान अवश्य करें ताकि पडल मैदान को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके। पडल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला संपन्न हो चुका है और अब पडल मैदान को दोबारा से हरा भरा बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि मैदान में खेलकूद गतिविधियों को संचालित किया जा सके और लोग सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक कर सकें ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। आपको बता दें कि मंडी नगर परिषद द्वारा 17 मार्च शनिवार को पडल मैदान को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।